There is a last method, that of asexual reproduction, which is left from asexual modes, that is regeneration. So this is the fifth method of asexual mode of reproduction, that is regeneration. Regeneration, as the name is saying, that is regenerate karna. Re means वापस फिर से generate करना. किसको regenerate करेंगे? That which has been lost. ठीक है, जो चीज गुम रही है, जो चीज गवाच रही है, जो चीज लॉस्ट हो चुकी है, उसको वापस फिर से बना लेंगे. तो दैट इज रीजनरेशन. बट वट वी आर स्टडिंग दिस एज अ कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, वी आर स्टडिंग डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन ऑल्सो. दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन ऑल्सो, है ना. रीजनरेशन हो लेकिन साथ में रिप्रोडक्शन. अब वापस रिप्रोडक्शन वाली सबसे पहली डेफिनेशन पे जाइए, जहां पे हमने ये बोला था टू कंटिन्यू द जनरेशंस, टू गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिजम्स, दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन इज. तो रीजनरेशन में हमें ये जरूर देखना है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन के अंडर पड़ रहे हैं इसको, तो हमें ये जरूर मैटर यहाँ पे करता है कि दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स और नॉट. ठीक है, टेकिंग एन एग्जाम्पल विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, देयर इज वन कंसेप्ट ऑफ लिजर्ड्स. अभी रीजनरेशन की मैं एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ रीजनरेशन क्या है और रिप्रोडक्शन ये है कि नहीं है. ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज लिजर्ड्स, यू ऑल नो लिजर्ड्स की टेल जब कट जाती है, दैट रीजनरेट्स इट्स ओन न्यू टेल अगेन, है ना. सो से आई एम जस्ट मेकिंग द हाइपोथेटिकली, दिस इज द ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द टेल ऑफ इट. ठीक है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल व्यू आई एम गिविंग. इफ इट गेट्स कट फ्रॉम हियर, टेल कट हो गया, ठीक है, टेल रिमूव हो गया, अलग हो गया, टेल इज लॉस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव द टेल नाउ, राइट, एंड द टेल इज सेपरेट, ये सेपरेटेड हो गया. अब क्या होगा, द लिजर्ड इज गोइंग टू बिल्ड अप और टू रीजनरेट इट्स ओन न्यू टेल, बट वेदर दिस टेल इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू लिजर्ड, नो, ऐसा नहीं होता ना. टेल ने नवा लिजर्ड नहीं बना देना, लिजर्ड जो है उसने अपनी टेल नमी ग्रो कर देना, लेकिन इस टेल ने अगला नवा ऑर्गेनिज्म बनाया. तो यहाँ क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक ऑर्गेनिज्म था, एंडिंग में भी एक ही ऑर्गेनिज्म बचा. सो दिस इज नॉट अ रिप्रोडक्शन. सो वी विल नॉट काउंट द एग्जांपल ऑफ लिजर्ड इन रीजनरेशन. आपको ये कंसेप्ट पता है, रीजनरेशन में लिजर्ड की टेल रीजनरेट होती है, लेकिन इसको हम रिप्रोडक्शन के अंडर नहीं लेते. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार फिश. ये क्वेश्चन भी आता है, डू द लिजर्ड एंड स्टार फिश परफॉर्म एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन, वाई और वाई नॉट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, सो अगेन फॉर द स्टारफिश, स्टारफिश इज अनदर ऑर्गेनिज्म, इट इज रेडियली सिमेट्रिकल, यू नो, सो इट हैज फाइव लेग्स, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से, इट हैज फाइव आर्म्स, है ना. सो द फाइव आर्म्स विच आर प्रेजेंट, दे कैन बी लाइक फाइव रेडियल सिमेट्री शो करती हैं, कोई भी इनमें से अगर आर्म रिमूव हो जाती है, कट हो जाती है, सही है वाली, हम इसके कट हो गए. ठीक है, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, आगे फर्दर क्या आएगा, दिस इज द ऑर्गेनिज्म हुज वन आर्म हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, एंड द अदर फोर आर्म्स दे आर स्टिल देयर, कुछ इस तरह. ठीक है, द फोर आर्म्स दे आर स्टिल देयर, एंड द आर्म विच इज सेपरेटेड, ये आर्म इस तरह सेपरेट भी हो चुकी है. ठीक है, दिस इज सेपरेटेड, ये अलग है. अब क्या होगा, क्या ये स्टारफिश एक नवी आर्म बनाएगी, या ये आम भी पूरी स्टारफिश नवी बना रही है, आम ने डीजनरेट हो जाना है, ये खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, इट इज नॉट गोइंग टू फ्रेम अ फुल न्यू स्टारफिश ऑर्गेनिज्म, बट दिस ऑर्गेनिज्म हुज आर्म वाज लॉस्ट, इट इज गोइंग टू गेट इट्स न्यू बैक अगेन, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. बट वॉट इज हैपनिंग हियर, दिस इज वन स्टारफिश इन द स्टार्टिंग, वन एट द एंडिंग, सो वॉट इज इट, नो रिप्रोडक्शन, वही था, उसी ने रीजनरेट कर लिया, लॉस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, बट नॉट रिप्रोडक्शन. ये रीजनरेशन सिंपल की एग्जाम्पल्स हैं. अगर आपसे पूछे जस्टिफाई रीजनरेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो रीजनरेशन इज दिस ऑल्सो, बट इफ दे से जस्टिफाई रीजनरेशन एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विद एग्जाम्पल, देन देयर इज अ ट्रू रीजनरेशन शोइंग ऑर्गेनिज्म, and that organism is Planaria. What is this organism? It is a platyhelminth member, and that is Planaria. Okay.
Planaria shows true regeneration means regeneration as well as reproduction. Okay, new organisms will be created by it. So what is this planaria looks like? This is an organism having a appropriate structure, something like this. This is an organism's body. These are the lower organisms, so they do not have much of the distinguished characters. Okay, so this is the planaria, right? Now what we have studied, that is the planaria undergoes regeneration. When there is a cut, the lost part will be regenerated back again. So this is, say, ye itna yahan se cut ho gaya, theek hai, then there is a cut from there, neck region jo beech mein jo bent hai wahan se cut ho gaya, theek hai, whatsoever the fragments you can make, ab jitne marzi banao jahan se marzi banao. Ab isme hamare paas teen fragments bach gaye, hai na, teen fragments ban gaye na agar ye cut ho gaya. So the three fragments are what? The three fragments are, first is this tip, theek hai, from where it is cut, I am showing with the wavy line. You can draw it or you can't, you don't want to draw it, don't draw it, okay? And then there is a this one, that is the middle portion, which is having the eye spot also, theek hai, and it has been cut from the two ends, right? The third is its body part, that is the lower region, which has been cut from here. Now these are the three fragments of this organism, hai na? These all three are going to generate their lost parts. If I talk about the first tip, ye tip ki baat kar rahe hain, tip mein ye dono lost ho gaye, jiski tip alag hogi ye tip alag hogi, to ye dono lost ho gaye. It is going to create the both the parts which has been lost, theek hai, pura ka pura nava organism that will be regenerated. So as a result, this whole new organism is going to be regenerated back again, right? Something like this. Okay, similarly, this middle portion that will be giving rise to the tip region, this middle to uske paas already tha, as well as the body region, that which it has lost. And the same manner again, this body part, this is going to regenerate a whole new organism, that is including its tip, eye spots, middle region, that is the neck part, and the body part. The body part was already available. So this is, ab is concept mein dekho, yahan pe kya tha, ek lizard tha to ek hi rehta hai regeneration, ek starfish hai to ek hi rehta hai. So these are not the regeneration as a reproduction example, but yahan kya hua, one organism in initial, three new organisms are added to the next generation. ठीक है, इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट, अगर आप छोटे से छोटा पार्ट भी कट कर दो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म. डन. सो दैट इज व्हाई वी कॉल प्लेनेरिया प्लेनेरिया टू शो द ट्रू रीजनरेशन, विच इज रीजनरेशन एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. Five methods we have studied: binary fission in amoeba, budding in yeast and hydra, then there was spore formation, fragmentation, and regeneration. Okay, so coming to the next is the reproduction in the flowering plants, that is in angiosperms. Done? Any doubt to anyone? So now this part, asexual modes, they are done. Now we are to start with the next portion, that is the second part of this chapter, which is reproduction in the plants, in the flowering plants. So there happens to have the sexual reproduction. The flowering plants, they show sexual reproduction because they are the most advanced plants. ठीक है, प्लांट में सबसे ज्यादा एडवांस जो ग्रुप है दैट इज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, है ना? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. Now you give this as a heading. अब आगे के questions हम इसी में cover करेंगे. So what is the sexual reproduction in flowering plant? The sexual reproduction in flowering plant that basically involves, क्योंकि plants में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, fragmentation example लिया था हमने, है ना, lower organisms में. जो lower plants हैं उनमें हम example ले चुके हैं already, और उसमें वो fragmentation से reproduce करते हैं.
अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देयर इज अ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व विच इज कॉल्ड एज अ फ्लावर. ठीक है, व्हाट इज अ फ्लावर? अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. मॉडिफाइड शूट मतलब एक शूट, एक स्टेम जो मॉडिफाई हो गई और पूरा उसने न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, दैट इज ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. हेडिंग लिख दो इसको नोटबुक्स में एंड देन यू कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चंस. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ऑल्सो ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. क्योंकि हमने बोला कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होना है विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज अ फ्लावर, राइट? सो द फ्लावर दैट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑल्सो द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. ठीक है, फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ द पार्ट्स दैट आर कॉल्ड एज एसेंशियल पार्ट्स. एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. एसेंशियल पार्ट्स एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स. नाउ व्हाट आर दीज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल? क्यों बोला हमने एसेंशियल नॉन एसेंशियल? That is because if they are required directly, they play an important role and they are required directly in the reproduction, then they are essential. If they are required only to help in the act of reproduction, then it is called as a, then it is called as non-essential parts. Okay, that which only helps in providing the reproduction. Okay, now what are these further? Essential that involves the male and the female gamete carrying organs. गेमीट्स चाहिए हैं मेन, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था. सॉरी, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल में डिफरेंस क्या था? दैट इज सेक्सुअल रिक्वायर्स गेमीट्स, देयर फर्टिलाइजेशन एंड हेंस अ न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट अ क्लोन विल बी फॉर्म. ये पढ़ा हमने. ठीक है, सो वहीं पे गेमीट्स फॉर्मेशन वाला जो कंसेप्ट है वो एसेंशियल ऑर्गन्स करते हैं. द गेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स दैट आर द male and the female gamete producing organs. Done. Gamete producing organs, male and female gamete producing organs. Okay, so in this what is happening is, if we talk about the essential organs, for essential organs there are, number one, for the male reproductive organ we call this as an androecium. This is androecium. ठीक है, androecium is a male gamete producing organ. Androecium is a male reproductive organ, you can say that of a flower. Okay, then there is a female gamete producing organ which is called as gynoecium. Gynoecium is what? That is a female reproductive organ. Okay, so this is androecium is a male reproductive organ and gynoecium is a female reproductive organ. This is the name of the organ, androecium, gynoecium. Again, androecium consists of further units. A single unit is called as a stamen. Single unit ko hum log bolte hain stamen, S-T-A-M-E-N. Okay, and in gynoecium the single unit, it is termed as carpel, or it is also called as pistil. Okay, right? Further, the non-essential parts, they are of two categories again, that is the two types again. Non-essential ones, they are the petals, colorful parts of a flower. है ना, अगर हम रोज की बात करें तो जो रेड कलर की पेटल्स होती है ना, तो they are the petals. Now, how they are non-essentially involved? Because they help their pollinators to come, to be attracted, है ना? तो attract करने के लिए ये petals colorful हो गई. Order उनका अच्छा है, खुशबू अच्छी है, उससे pollinators जो हैं वो attract हो जाते हैं, है ना? So they are helping in their pollinators to come. When the pollinators will be arriving those flowers, they will be carrying the pollen grains and shifting to the other flowers, है ना? They'll be helping in fertilization.
but not directly involved. So that is why they are non-essential. Okay, so petals. Petals are the colorful units. And at the base, there are sepals, which are the green leafy structures. Okay. The group of, ye single unit hai. Ye single unit hai. ठीक है ये सिंगल सिंगल यूनिट है ये उसका पूरे ऑर्गन का नाम है अब ऐसे ये सिंगल सिंगल यूनिट्स है अब पूरे वर्ल्ड का नाम मतलब पूरे एक ग्रुप का नाम क्या होता है पेटल्स में दैट इज कोरोला सी ओ आर ओ डबल एल ए कोरोला एंड फॉर सेपल्स इट इज केलिक्स फॉर सेपल्स इट इज केलिक्स द वर्ल्ड ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज केलिक्स The whorl of petals is called as corolla, right? Okay. Now to show all these essential and non-essential whorls in a flower to make the structure of it, you start drawing the structure for this. As I described that, what is a flower? A flower is a modified shoot. है ना flower क्या है? It's a modified shoot. So modified shoot, ये stem है simple. है ना? This is a simple stem. It gets modified. It gets expanded like this. Okay, there can be a bend, a small little bend, more bend. ठीक है जैसे मर्जी बना लो. So this is the modification. अब यहाँ पे इसके ऊपर जो whorls हैं सारे वो बन जाएं, वो arrange हो जाएंगे. ठीक है बच्चे. So this is the stem main, right? And then there is an expanded part which is called as receptacle or thalamus. Labeling amend में करेंगे. First you start drawing this, right? The most protective are these parts of the essential parts of the flower. है ना वो protected होंगे because they are the essential ones and the non-essential they are going to protect as well. Along with attracting the pollinators, they also provide the protection. ठीक है? So the innermost is the whorl of the gynoecium. Gynoecium that is a female reproductive part. So सबसे अंदर gynoecium. This is the swollen ovary. The ovary that extends. Forming this cylindrical, you can say stalk-like structure. It is a thin cylindrical stalk-like structure called as style, and this style again expands, forming a sticky end called as stigma. Okay, stigma. Within this ovary, अब ये जो हमने ovary बनाया है, इधर side पे बना देते हैं. इस तरह से आपने बनाई ना? This is the base down here. And then यहाँ पे extension, ठीक है? So within this ovary there is a continuous circle like structure. ये पूरा continuous बनाना है. That is a ovary wall, okay? So इसके अंदर पूरा इस तरह से ovary wall बनाएंगे. That is a continuous circle. This is a feature of angiosperms that they have the ovary wall, which after ripening will create a fruit wall. Fruit का wall जो होता है, that is created by this. Ovary wall, okay. In between there is lying the placenta. Placenta एक special tissue है. इस तरह से placenta बीच में है. ये एक special cushiony tissue है, cushion type का tissue है. That which plays the very important roles. Placenta का role क्या होता है? Placenta that plays a very very important role. That is, it first provide the place for the attachment of the ovules. एक जगह देता है अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल्स को क्योंकि ओव्यूल्स क्या है दे आर द फ्यूचर सीड और सीड ने आगे नवे प्लांट्स बनाने तो नेचर ने क्या किया ऑलरेडी उस सीड को यानी फ्यूचर सीड को ओव्यूल को एक कुशन टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर रखा है ताकि वो डिहाइज ना हो जाए यानी वो प्रीमेच्योर टूट ना जाए ठीक है बिफोर फर्टिलाइजेशन खत्म ना हो जाए उनको कोई भी हार्म ना पहुंचे ठीक है सो दे आर प्रोवाइडिंग द प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल Second, this placenta also nourishes the developing ovule. जो ovule है उसकी nourishment कहाँ से मिलनी है इस placenta से ठीक है जी ओके सो दिस प्रोवाइड्स द प्लेसमेंट नाउ दीज ovules आर अटैच लाइक दिस ठीक है पॉइंटेड टूवर्ड्स द दिस placenta. तो इस तरह से आपने इसके अंदर ovules बनाने as many as you can accommodate easily. ठीक है जितने accommodate हो सकते हैं आसानी से उतने हमने इस फ्लावर के अंदर ऐसे बना देने बट पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्लेसेंटा बिकॉज दे आर अटैच्ड टुवर्ड्स द प्लेसेंटा दिस इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट बट अदरवाइज इट कैन बी अरेंज्ड इन एज डिफरेंट मैनर्स ठीक है डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में अरेंजमेंट होती है बट ये सिंपलेस्ट है जो हमने बनाई
ठीक है ओके. नाउ दिस इज द गाइनोशियम, दिस होल इज गाइनोशियम, दैट इज अ सिंगल यूनिट इज कार्पल. ये कार्पल है जिसके थ्री फर्दर पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. अब इसके बाद आता है स्टेमिन. स्टेमिन क्या है? दैट इज अनदर पार्ट, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट हैज द थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ये इस तरह से थिन फिलामेंट्स हैं इनके पास, ठीक है. अबव द फिलामेंट देयर इज अ बाइलोब्ड एंथर लाइक दिस, ठीक है. ये मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगी, आगे भी कराएंगे हम लोग. ये बाइलोब्ड एंथर और ये चीजें क्या हैं, अभी के लिए फिलहाल यू जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर. इन डिटेल्स वी हैव टू लर्न अबाउट एंड इवन ड्रॉ ईच एंड एवरी पार्ट, राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फिलामेंट अलॉन्ग विद द एंथर, राइट. यू कैन मेक एज मेनी एंथर्स एंड द फिलामेंट्स एज यू वॉन्ट, बट दे शुड बी ऑफ इधर इक्वल लेंथ और टू इन अ ग्रुप ऑफ इक्वल लेंथ. जैसे मैंने बनाया ना, दो एक साइज के, दो एक साइज के, ऐसे भी बना सकते हो, या सभी को इक्वल लेंथ में बना दो, ठीक है. पर सारे बड़े छोटे, बड़े छोटे ऐसे नहीं बनाने, ठीक है. टू ऑफ सेम साइज, टू ऑफ सेम साइज, यू कैन मेक लाइक दिस, राइट. सो दिस इज द गाइनोशियम, द सेकेंड पार्ट. दिस इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाय द पेटल्स, द कलरफुल यूनिट्स. सो पेटल्स भी कैसे भी बना सकते हैं हम लोग, कैसे भी शेप आप लोगों को आती है, आप जैसे मर्जी बना लो, जैसा आपको फ्लावर बनाना आता है जैसे मर्जी बना लो, ठीक है. सो दीज आर द पेटल्स दैट आर द कलरफुल यूनिट्स विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्शन एज वेल एज दे अट्रैक्ट देयर पॉलिनेटर्स, राइट. एंड लास्ट इज द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स दैट आर द स्मॉल ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सेपल्स, ठीक है. सो एवरीथिंग इज बॉर्न वेयर ऑन दिस एक्सपैंडेड पार्ट. That is why we call it as a modified shoot. ये shoot है, ये stem है और ये modification दे दिया and it has obtained so many parts on it which help in the reproduction. Okay, so now label these. This is the first, it is the petals, a petal and the group of it is called as corolla. ये लिखा मैंने, है ना, corolla. Then there is female part. The female part's tip that is expanded, it's a sticky end called as stigma. Then cylindrical is the style and this volnen is the ovary. Stigma, style, ovary, three major parts. But inside ovary are also present the other parts like the ovary wall, jo humne continuous banaya tha circle, hai na? This is the ovary wall. And the ovules, they are also carried over within the ovary. ठीक है, so these make up the first part of the innermost part of the flower, which is called as a gynoecium. It's a carpel. Okay, so this is a single unit called as carpel. Or pistil. Done. And on the other hand, there are two units that are just completed. 1 minute more will be taking. So this is anthers. This is anther. And this stalk-like structure is a filament. It's a filament. Anther and filament. These two together they form a stamen. ये क्या बनाते हैं? Stamen. Stamen is a part of the male reproductive system. Androecium. Done. This is the unit called as sepal. Kalla kalla is sepal and a whole group is calyx. Okay. This is calyx. ये जो expanded portion है, ये जो हमने सबसे पहले बनाया था जिसके ऊपर सारा अरेंजमेंट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिसेप्टिकल और अ थैलेमस. इट्स अ रिसेप्टिकल और अ थैलेमस. डन. एंड दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर कॉल्ड एज पेडिसिल स्टॉक, ठीक है. द स्टॉक बाय विच यू होल्ड अ फ्लावर, ओके. This is a stalk called as pedicel. So this is the structure of a flower, right?
Every part we are to describe in details, and then following the method of fertilization, everything will be done in details. Any question, any doubt from today's lecture? If you have any question.